अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जबी। जबी व्लॉग्स पे वीडियोस बनाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बहरीन ई विज़िट वीज़ा जो कि है, इलेक्ट्रॉनिक विज़िट वीज़ा भी कहला जाता है उसको, तो इसका जो प्राइस होता है आपको कुल मिला के 29 दिनार बहरीनी दिनार में मिल सकता है। और इसका जो है विज़िट वीज़ा की फ़ीस 25 दिनार होती है और प्रोसेसिंग फ़ी 4 दिनार होती है, तो कुल मिला के 29 दिनार होएगा। तो आप इसे कैसे ख़रीद सकते हैं ये वीज़ा, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, जो कि है मैं लिंक में जो इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसी के थ्रू जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट है। तो आप कितने ई विज़िट वीज़ा पे आप कितने दिन रह सकते हैं, मीन्स आप 2 हफ्ते तक रह सकते हैं ये वीज़ा के ऊपर। और जो है आप अगर बाय चांस आगे करना चाहते हो और अगर आपको कुछ और भी आगे ज़रूरत है तो आप और एक्सटेंड कर सकते हो ये वीज़ा। और ये जो है वीज़ा मल्टीपल एंट्री के लिए अवेलेबल है और आप मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए आराम से बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ बोल के, तो वो लिंक फॉलो अप कर लीजिए। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, तो पहली कंडीशंस ये है कि आप बहरीन के बाहर होना चाहिए, जो लोग अंदर रहते हैं वो क्या इसके एलिजिबल नहीं होते। तो दूसरी शर्त ये है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी रहनी चाहिए उसमें, तो वो बहरीन में आने से पहले। और दूसरा ये है कि आपके पास जो है टिकट रहना चाहिए, टू वे टिकट, मीन्स अप एंड डाउन टिकट आपके पास होना चाहिए। और जो है आपके पास जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके होटल रिजर्वेशंस, वो सभी रहना चाहिए। लेकिन नया है तो भी चलेगा, लेकिन बहरहाल आपको टिकट होना तो ज़रूरी है। और जो है दूसरी शर्त ये है कि जो आप यहाँ पे जर्नलिस्ट आते हैं उनको सभी यहाँ बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती है, क्योंकि यहाँ के लॉस में जर्नलिस्ट को इतनी आसानी से वीज़ास नहीं मिलते। तो आपका जो भी मकसद है आने का, जो भी आपका एम है, तो वो सिक्योरिटी या यहाँ की वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है 3 से 5 दिन तक लग सकता है। तो जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा आपको इतला दी जाएगी कि भाई आपका प्रोसेसिंग हो गया है बोल के कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी। तो इसमें जो ईमेल आती है आपको उसको प्रिंट कर लेना चाहिए। जैसे ही आप बहरीन के एयरपोर्ट पर अराइवल होंगे तो आपको उसके ज़रिए आपको जो पासपोर्ट ऑफिसर रहता है उसको, वो आपको वीज़ा दे देगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो आपका अप्लाई किए होते हैं वो आपको अराइवल एयरपोर्ट अराइवल पे ही मिल जाएगा। अगर किसी सूरत में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या नॉट अप्रूव्ड हो गया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं NPRA या आपकी जो नियरेस्ट बहरीन एम्बेसी होती है आपके मुल्क में, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और क्या है, डिपेंडेंट्स जो आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी आपके साथ आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, जो जिसके नाम पासपोर्ट में आपके मेंशन होके रहते हैं वो लोग आ सकते हैं, उनको कोई वीज़ा चार्जेस नहीं लगते एक्स्ट्रा। तो ये थे मेरे ई वीज़ा के बारे में डिटेल्स। तो दोस्तों आगे देखते रहिए मेरा वीडियो, और भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा जो भी बहरीन के रिलेटेड वीज़ास के बारे में, और जो भी जॉब्स के लिए आपको कुछ भी परेशानी है, कुछ भी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो मैं आगे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।